भी कोटेदार भाइयों को नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम हमेशा प्रयास करते हैं और सरकार तक अपनी वीडियो को पहुंचाते हैं आप लोगों के माध्यम से। तो इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं आपसे कि पीडीएस दुकानदारों ने 30,000 रुपये की मांग की है सरकार से और साथ में 300 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से कमीशन की भी मांग की है। और दोस्तों, ये ऐसी वैसी मांग होने वाली नहीं है। ये मांग दोस्तों ऐसे लोगों ने की है जो ऑल इंडिया कोटेदार संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने दोस्तों ज्ञापन सरकारों को सौंपा है और सरकारों से टाइम भी लिया है कि सरकार उनकी मानदेय और उनकी कमीशन कब सुनिश्चित करने वाली है। अच्छा, दोस्तों ये किस राज्य में होने वाला है और कितने लोग इस मांग को करने वाले हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। और दोस्तों, मैं सबसे पहले जानकारी आप लोगों को देता हूँ, सबसे पहले न्यूज आप लोगों को देता हूं, तो इससे आपका भी दायित्व बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि इसी तरह से वीडियो आप लोगों के साथ मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां देखिएगा, मोटे हेडिंग में आप लोगों को दिखाई दे रहा कि पीडीएस दुकानदारों को 30,000 रुपये मानदेय दे सरकार, फेडरेशन ने आप लोगों के साथ मिल करके सरकार को वापस सौंपा है। यहाँ देखिए दोस्तों, फोटो के साथ आप लोगों को बताएंगे कि राशन डीलरों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बाबूलाल मारंडी को ज्ञापन सौंपा है। आगे बताएंगे दोस्तों कि आर इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर झारखंड के पदाधिकारियों ने 17 जुलाई को सोमवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को उनके पैतृक आवास पर मुलाकात की। और दोस्तों, डीलरों ने उन्हें 4 सूत्रीय मांग सौंपकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत झारखंड में लगभग 28,000 जन वितरण प्रणाली के दुकानदार की स्थिति सुधारने का आग्रह किया है। ज्ञापन में पीटे दुकानदारों ने आजीविका के लिए प्रतिमाह 30,000 रुपये प्रति मानदेय व 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कमीशन दिलवाने का आग्रह किया था। साथ ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 11 माह तक बकाया कमीशन व उससे पहले की आश्रित अनुकंपा का लाभ दिलाने की मांग। यानी कि दोस्तों, आपको बता दें, जो कोरोना काल में प्रधानमंत्री जन अन्न योजना का शुभारम्भ किया गया, कोटेदारों ने अपने मेहनत से और अपने पैसे से खर्च करके सारे राशन बांटे थे, वो भी उन लोगों के साथ कमीशन अभी तक मिला नहीं है, वो उन लोग भी उसका भी मान किए हैं। और दोस्तों, ये अगर मांग होती है तो पूरे ऑल इंडिया के कोटेदारों को लाभ मिल सकता है। आगे दोस्तों आपको बताएंगे कि डीलरों ने कहा कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जब तक 4G सेवा ई पोस मशीन से बहाल नहीं हो जाती है तब तक इलेक्ट्रॉनिक स्केल को बंद कराया जाए। मराठी से मिलने वाले लीडरों की, जैसे दोस्तों इसमें संजय चौधरी, अनिल, उसके बाद इंद्रदेव बरनाल, जगनारायण साव, यानी कि दोस्तों कहने का ये मतलब है कि जितने भी कोटेदार संघ के लोग सबके सब शामिल थे और ये अपनी मांग उठाए हैं। और अगर ये दोस्तों मांग स्वीकार होती है तो इसमें ऑल इंडिया के कोटेदारों का लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, आपको भी इस हिस्सा लेना चाहिए। आप लोगों से निवेदन, आप किसी भी प्रदेश में हैं तो आप लोग भी इस तरह का कदम उठाएं ताकि आप लोगों का मानदेय सुनिश्चित हो, आप लोगों का कमीशन सुनिश्चित हो। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और